आज हम शेयर कर रहे हैं बहुत ही इजी रेसिपी, बहुत ही इजी है और बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी चटपटा है। फ्रेंड ट्राई कीजिएगा, तो देखिए एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही मस्त होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फ्रेंड देखिए कितना मस्त हमने बनाए हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और सभी को पसंद आएगा, तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमें कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाए हैं और उसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डाल सकते हैं या तो इसे स्किप कर सकते हैं। हमें तिल का फ्लेवर बहुत ही पसंद आता है और इसका क्रंची सा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे डालकर हल्का सा रोस्ट कर लिए हैं और इसमें डाल लिए हैं, ये कटोरी है, यही हम इसी से हम माप कर लेंगे सारे चीज़। तो देखिए इससे हम 2 कटोरी पानी डाले हैं, तो और 1 कटोरी इसमें हम इसी कटोरी से हम चावल का आटा लेंगे। तो 2 कटोरी पानी और 1 कटोरी चावल का आटा बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी सी पानी कम ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब इसमें डाल लेंगे ये थोड़ी सी लहसुन और 1 हरी मिर्च को कूट लिए हैं और इसे डाल दिए हैं, और स्वाद के अनुसार नमक इसी समय डाल लेंगे, बाद में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए इसी तरह से डाल लीजिएगा, लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो अदरक भी डाल सकते हैं लहसुन के जगह पर, और नहीं तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम 1 उबाल बढ़िया से आने देंगे, बिल्कुल बढ़िया से उबाल आ जाएगा, क्योंकि चावल का आटा है तो बिना उबाले हमारा ये चावल का आटा बढ़िया से सेट नहीं होगा। तो देखिए अब बढ़िया से उबाल आ गया है, तो वहीं कटोरी जिससे हम पानी लिए हैं उसी से हम 1 कटोरी भरकर इसमें चावल का आटा डाल लिए हैं, और फ्लेम को हमें लो कर लेना है इस समय, नहीं तो पानी सूख जाएगा और चावल का आटा हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो इसलिए हम फ्लेम को लो कर लिए हैं और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है, यानी कि डो के फॉर्म में इसे बढ़िया से सेट कर लेना है। तो देखिए कितना आसानी से फटाफट से ये पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है और बिल्कुल भी गीला भी नहीं हुआ है और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट माप हमने लिए हैं, इसलिए बहुत ही बढ़िया से सेट हो गया है। तो गैस के फ्लेम हम इस समय ऑफ कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसे हम निकाल लेंगे 1 प्लेट में, ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। कढ़ाही गरम है तो इसमें छोड़ देंगे तो गरम ही रह जाएगा, तो इसके लिए इसे हम 1 प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और इसे रख देंगे साइड में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए लिए हैं, देखिए ये आलू है, तो 1 आलू को हमने 2 भाग कर लिए हैं और 2 छोटे छोटे साइज़ का यानी मीडियम साइज़ का आलू है, तो हमें यानी कि 3 आलू हमने लिए हैं। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और हाँ इसमें आलू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि हम बाद में बताएंगे इसका उपाय। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले होल से यानी कि छोटे वाले से छेद से हमें इसका ग्रेट कर लेना है, और मैश करके आप नहीं लीजिएगा, बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह ना रहे, इसलिए छोटे वाला छेद से हमें ग्रेट कर लेना है। तो चलिए सारे आलू को हम बढ़िया से ग्रेट कर लेते हैं, इसमें बिल्कुल भी छोटे मोटे भी चंक्स नहीं रहना चाहिए। तो चलिए सारे को हम ग्रेट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं हमने ग्रेट कर लिए हैं सारे आलू को। अब क्या करेंगे, इसे हाथों से बढ़िया से मसलना है, ताकि छोटे मोटे जो चंक्स होगा वो बढ़िया से मैश हो जाए, नहीं तो हमारा जो नाश्ता बनाने में दिक्कत आता है फट भी सकता है, इसलिए हम इसे बढ़िया से हम मैश करना है। तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही बढ़िया से मैश कर लिए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ये टेस्टी बनता है और बहुत फटाफट से बन भी जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम देखिए बढ़िया से इसे मिक्स कर लिए हैं, तो जो हम चावल का आटा जो ठंडा होने के लिए रखे थे बहुत ही बढ़िया से हल्का सा गुनगुना है, बढ़िया से ये ठंडा हो गया, यानी कि तो इसे हल्का सा गुनगुना में ही इसका ये मतलब मिक्स कीजिएगा तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो चलिए इसे हम आलू में जो हमने मैश करके रखे हुए थे उसमें हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसे ये आलू और चावल का आटा है तो इसके ना बिखरे तेल में जाके इसके लिए हम डालेंगे बेसन। तो ये देखिए वो ये कटोरी आधी कटोरी यानी कि 1 कटोरी हमने चावल का आटा लिए हैं, तो ये छोटे वाले कटोरी है उससे भी हम आधा से कम लिए हैं। तो इसी तरह से हम बेसन ले लेंगे ताकि बाइंडिंग बढ़िया से हो जाए, तो बेसन नहीं लीजिएगा तो तेल में जाकर हमारा ये रेसिपी बिखर जाएगा।
बेसन डालना बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये ज़रूर से डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अब इसमें कुछ मसाले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि भुनी हुई जीरा पाउडर है, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल लिए हैं। अगर पिज्ज़ा सीजमन है तो उसे ज़रूर से डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम नहीं डाल रहे हैं, हमें पास नहीं है। इसमें डाल लिए हैं भुनी हुई जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यानी कि कूटी हुई लाल मिर्च। अब सारे चीज़ को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, तो चलिए अब सारे को बढ़िया से हम मिला लेंगे। तो हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो हाथों में तेल के इस तरह से लगाकर हमें बढ़िया से इसे सेट कर लेना है, एक डो के फॉर्म में लाना है। तो थोड़ा सा इस समय मतलब दिक्कतें आता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाता है। इस तरह से हाथों में तेल लगाकर इसे बढ़िया से सेट कर लेंगे। तो देखिए हाथों में तेल लगाते हुए हम इसे बढ़िया से डो के फॉर्म में कर लिए हैं तैयार। तो अब चलिए अब इसे शेप देने के बारी है। तो इसके लिए हम एक चॉपिंग बोर्ड लिए हैं, आप कोई सा भी प्लेट ले सकते हैं। अब इस पर हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिए हैं और इसे इस तरह से एक बार में ही हम इस तरह से चौकोन शेप दे देंगे और फिर अपने हिसाब से मनपसंद शेप काट लेंगे। तो चलिए इसे शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स आज का रेसिपी कैसा लग रहा है? अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और 1 लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। आपका कमेंट्स हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए फ्रेंड्स। तो चलिए बातों बात में हमारा ये चौकोन शेप देखिए कितना मस्त हमारा ये शेप आ गया है, और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए नाइफ में चिपक रहा है, तो इसमें थोड़ी सी आटा या मैदा का ऊपर से स्ट्रिंगल कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो देखिए इस तरह से हम आटा लगा लिए हैं और इस तरह से देखिए कट कर लेते हैं। तो इस तरह से लगा लेने से ना बहुत ही अच्छा से कटता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो ज़रूर इसे चिपकता है तो ये स्टेप ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए अब इस तरह से हम काट लिए हैं और फिर इधर से हम इस तरह से हम शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से कोई सा भी शेप दे सकते हैं, हम इस तरह से शेप दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी तरह से दीजिए। अपने हिसाब से जो भी मन है, जो भी सुंदर लगता है देखने में, उस शेप दे सकते हैं। तो चलिए हम सारे को इसी तरह शेप देकर और जो बिखर जाता है उसे हाथों से सेट करते हुए हम सारे को तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा हमारा शेप बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हाथों से हम सेट करते हुए सारे को बढ़िया से हम तैयार कर लिए हैं। अब इधर हमारा कढ़ाही चढ़ा हुआ है, तेल बढ़िया से गर्म हो गया है। तो चलिए अब फ्राई करते हैं। तो इसके लिए देखिए छोटा सा टुकड़ा डालकर हम इसे चेक किए हैं, बहुत ही बढ़िया से तेल हमारा गर्म हुआ है और हमें इस समय बहुत ही बढ़िया से तेल गर्म करता है। और इसमें एक एक पीस करके डाल लेना है जितना कि कढ़ाही में आ सके, और इस समय हमें थोड़ा देर के लिए फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद मीडियम टू हाई पर कर देना है ताकि अंदर से बढ़िया से ये फ्राई हो जाए क्रिस्पी। तो चलिए इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं एक तरफ से हमारा हो गया है, तो एक तरफ पलट लेंगे इस तरह से और कितना प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही फटाफट से फ्राई भी हो जाता है फ्रेंड, ट्राई कीजिएगा। तो खाने में इसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगता है और देखिए लुक कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है और खाने में वैसे ही लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए बातों बात में हमारा हो गया है फ्राई, इसे हम निकाल लेते हैं। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हमारा फ्राई हो गया है, बचे हुए बैच भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए फ्राई करके मिलते हैं। तो चलिए देखिए सारा हमारा फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, फटाफट से बहुत ही जल्दी बनता भी है, बहुत टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं, तो एक बार ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि हमारा ये बताया हुआ रेसिपी कैसा लगा है। तो देख सकते हैं हम कोई भी रेसिपी ऐसा नहीं बताते हैं कि जो अच्छा ना लगे, टेस्टी ना हो। तो देखिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, रेसिपी कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, Instagram, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, हमारा सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। Facebook पर भी हमारा फॉलो नहीं बढ़ रहा है, जाइए और देखिए और हमारा Facebook पेज को फॉलो कीजिए फ्रेंड, ट्राई देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए YouTube पर भी और Facebook पर भी, Instagram पर, सारे पर हमें सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि आपके लिए ऐसे ऐसे नए रेसिपी लाते रहें, आप इंजॉय करते रहें, हमें आगे बढ़ाइए। आपको 1 सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़
आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए और इंजॉय कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर नए रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।